क्या सुनते हो आप? ठीक है, गुस्सा कितनी अच्छी है जाता जी जी बोलें। है। बताओ, गुस्सा आ जाता है ज्यादा, और बट नींद तो आ रही है सही। नींद सही आ रही है? अच्छा, और इसके अलावा ये खाना ज्यादा पीना? खाना पीना तो भी बद परहेजी चलने की तरह। अच्छा, शुगर ज्यादा लेवल शुगर लेवल अभी परसों 163 थी, 63, 163 वन सिक्सटी थ्री फास्टिंग में, फास्टिंग में। अच्छा, और आज सुबह 153 थी। 153 थी, ज्यादा है ना, ज़्यादा। हाँ, मीठा खा रही है शुगर, शादी में। बात परहेजी खूब की जी है जी बहुत बहुत खुली खुली खोल के। मिठाई भी खा ली, मीठा खीर भी खा ली, कोल्ड सब ड्रिंक्स भी, सब कुछ चल रहा है। जो आप फोकस नहीं कर पाती थी, इर्तकाज नहीं कर सकती थी एक जगह पे, वो वो बेहतर है अभी के माइंड से पहले से बेहतर महसूस किया बेहतर है। है। थोड़ा सा खुद भी करना पड़ता है ना डॉक्टर साहब, अपने उससे वो आप खुद हाँ, फील, जब बोल रहे हैं तो आप खुद इस चीज को कंट्रोल खुद बढ़ा रही है, इस चीज को, ये इसका अपना मिजाज बहुत कसूर, खराब हो ये खुद गया। खराब कर रही है सब। तो वो कह रही थी कि थोड़ा ये एंटी डिप्रेसेंट, यानी कह रही थी कोई टेबलेट वो बीच में दवाई डाल दें। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि दवाई में मेरा हल काफ़ी अर्से से ख़त्म हो गई होगी, जी ठीक है ना? आप मुझे ये एक बताएं बढ़िया, कि जब पहले दिन से हमने दवाई स्टार्ट की है हाँ जी, उस दिन में और जब तक आप दवाई लेते रहे उस दिन में कितना फ़र्क था? फर्क ये कि अब मैं ज्यादा सोच नहीं रही चीजों को। अच्छा, और इसके अलावा नींद नींद कितने आती बजे नहीं सो जाती हैं आप? आजकल, तो लेट ही मतलब सो रहे थे, 3 पे सोते हैं, 8 घंटे पूरे सो लेती हूँ मैं, 8 घंटे? सुबह देर तक उठती हूँ 12 तक। सही है। अच्छा, जो एबसेंट माइंडेड था, गैर हाजिर दिमाग थी, वो बेहतर हुआ है। वो बेहतर हुआ है? ठीक है। और गैस वगैरह और आजकल बाकी स्टमक में काफी चल रहा है, ठीक है? मतलब गैस कैसे वो तो शादी पे आपने खूब बात परहेजी खाने खाई, अभी तक मेरा गोश्त ही जा रहा पीने के होगा। शौकीन है भी, ज़ाहिर घर में सब मेहमान तो वो चल ही खाने रहे, घर में भी और बाहर भी। सही है। बाकी है कि बारिश बड़ा तंग करती है ना, जैसे कट्स हो गए आजकल। ये तो अभी हुए ना नहीं खाने से पहले पहले? इसको बारिश तो शुरू से ही है सर्दियों में, कई अब साल हो आके गए। अब मुझे इस पहली बार कट्स हो गए, उतनी अच्छा। जलन और तकलीफ होती है ना, फिर जलन जलन बहुत होती है, ब्लड वगैरह उसमें बहुत कम, लेकिन कट्स है, कट्स है? ठीक कट्स। है। और इसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं? इसके अलावा और आजकल तो कोई खास नहीं है, वही गुस्सा, ज्यादा बहुत सा गुस्सा बहुत गुस्सा है। गुस्से की तो मैं अभी देता हूँ ना दवाई, मेरे ख्याल काफी अरसे से आपने ना खत्म हुई है, दोबारा आए नहीं है, आपको 1 हफ्ते पहले के आना लिए गए। चाहिए ना, देखो इतना गैस हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़ डॉक्टर साहब, यूरिन बहुत आ रहा है 2-3 दिन से वो ना, थोड़ा शुगर लेवल ज्यादा इस वजह बहुत से। ज्यादा आ रहा है कि वो कंट्रोल छोड़ करना भी मुश्किल हो जाता है फिर ना। अच्छा, यूटीए खारिश खत्म है अब जी, यूट्रस वो में, खत्म उसमें हो जलन और जलन वगैरह तो पेशाब में नहीं नहीं होती? नहीं ठीक नहीं यही नहीं, है। जो टांगों में दर्द होता था वो? अच्छा, बेहतर है अपनी, दर्द नहीं है, गेम खेलने को आप दिल नहीं कर रहा पहले? नहीं अच्छा, नहीं खेल रहा आजकल, नहीं खेल रही हूँ आज? गेम अच्छा, वगैरह, पहले तो आप ये कहती बात थी नींद लेने को दिल नहीं करता था, अब गेम नहीं खेलती, सोचती नहीं? अब पहले नींद लेने को दिल नहीं करता था ना, हाँ अब नींद लेने को दिल करता है कि नहीं? जी, सो तो सो जाती हूँ, जाती है, सही है। बेहोश ही सोती हूँ अब तो, गहरी नींद गहरी नींद सोती हो? जी। ठीक है। मुझे एक मशवरा दीजिए जी, डॉक्टर साहब, इसका स्कैन कराऊं, सीटी स्कैन नहीं अभी दिमाग किसी चीज़ की दिमाग का? ज़रूरत नहीं, जब ठीक हो रही तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, ये जो साल 1.5 साल पे इसको ये वाली कंडीशन होती है, जो अभी बहन लाई लाई थी आपके पास, ये समझे महीना हो गया, जो ये बिल्कुल सेंसेस इसके चले रहते हैं, और वो जो मुझे समझ आती है ना डॉक्टर साहब, सेंसर इसलिए जाग जाते जाती हैं हूँ, असल में, जाग जाग जाती जाग हूँ के जी, नींद ना लेने की वजह नींद से आती, और गेम खेलने की वजह और से, हाइपर होने की जी वजह हाइपर से, होने, यही मैं ठीक है इसको ना, यही मनफी कहती हूँ सोचों में खोए रहने की वजह जी, से ये सारे इसको इशू थे ना, यही इशू है डॉक्टर साहब, बहुत अब बिजी हैं उनमें ये काफ़ी बेहतर हुई है ना, आप जी समझते हैं ना? जी जी बिल्कुल, मुझे यही, मैं ठीक इसको है ना, खुद यही जब कहती हूँ ये कि 100% ठीक हो जाएंगे ना, फिर ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगी खुद बाहर ही, आएगी, ठीक है ना? फिर ये इसके आना नहीं मसाइल हों, चाहती डॉक्टर साहब, ये ये आना खुद नहीं आएगी चाहती ना, देखिए आहिस्ता आहिस्ता जी आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप समझते हैं ना बेहतर हो रही है, फिर आप सेटिस्फाइड रहें कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, ठीक है ना? याददाश्त भी कुछ बेहतर हुई है कि नहीं? अच्छा, अब तो बेहतर है, सही है। मनफी सोचें जो थी वो नहीं आ रही है अभी। अभी नहीं आ रही? सही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर की जानिब से मैं आपके साथ मुखातब हूं। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये एक क्रॉनिक केस है, बहुत ही पुराना और पेचीदा केस है। ये पेशेंट कराची से आया हुआ है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी हमारा बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो इस पेशेंट को कई सारे मसाइल थे शुरू में, इस पे ऊपर कुछ तशद्दुद हुआ, कुछ परेशानियाँ आईं, कुछ हालात आए, उनकी वजह से इसकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो गई, इसकी नींद ख़त्म हो गई, पुरानी यादों में खोया रहना और इस किसी चीज़ पर तवज्जो ना कर पाना। किसी महफिल में, किसी मजलिस में बैठे हैं तो गैर हाजिर दिमाग, वहाँ पता नहीं, इलम नहीं से क्या हो रहा है, किस बात पर हंसना है, किस बात पर नहीं हंसना, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और ये इसका कहना था कि नींद लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं लेती थी, 24 घंटे भी नहीं सोती थी, और उसके अलावा सारी सारी रात जागना, मोबाइल पर गेम खेलना, यादों में खोया रहना, गैर हाजिर दिमाग, टांगों में दर्द, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, छोटी उम्र में शुगर, काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड केस था, पेचीदा केस था। ये इसका केस जो मैंने लिखा वो तकरीबन 4 पेज पर 4 सफ़ात पर लिखा, इतना बड़ा इसका केस था, इतने बड़े मसाइल थे इसके साथ, और इसको स्टडी करने पे मुझे 2 दिन लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको दवा दी, प्रेस्क्राइब किया इसका केस, तो वो पहले हफ्ते में ही अल्लाह ताला ने कुछ रिस्पांस दे दिया, क्योंकि इसकी जो सिम्टम थी वो फिज़िकली कम थी, मेंटली ज़्यादा थी, यानी केस वो था सती तौर पर था, इतना ज़्यादा डीप नहीं था, जिसके अंदर कोई पैथोलॉजिकली, कोई टिश्यूज़ के अंदर, कोई अज़ा के अंदर तब्दीली नहीं आई थी, इसलिए ये इस केस का रिस्पांस जल्दी आ गया, जल्दी फ़ायदा हो गया। अगर यही केस ज़्यादा डीप होता, ज़्यादा गहरा होता, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि टिश्यूज़ के अंदर या अज़ा की बनावट के अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजेस आ जाती, टेस्ट पॉजिटिव आ जाते, वहाँ इस केस को करना थोड़ा मुश्किल हो जाना था, टाइम ज़्यादा लगना था। अभी केस डीप नहीं गया, इतना ज़्यादा गहरा नहीं गया, सिर्फ माइंड तक ही महदूद था, कुछ चंद एक फिज़िकली सिम्टम थे, बाकी ज़्यादा मेंटली सिम्टम थे। तो अल्लाह जल्ला जलालू ने अपने करम से, अपने फजल से, अपनी रहमत से इसे सेहत दी, इसे तंदरुस्ती वाली नेमत से नवाजा और इसे होम्योपैथिक दवा के ज़रिए सेहत याब किया। आज मरीज़ काफ़ी मुतमिन है, सेटिस्फाइड है, और इसने काफ़ी अर्सा गैप में दवाई भी छोड़े रखी और बाद परहेजियाँ भी कं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर इसकी काफ़ी हद तक कंट्रोल रही, और उसके साथ साथ बाकी सिम्टम भी इसकी काफ़ी हद तक कंट्रोल रही, और ये काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ आ जाती है तो फिर अपना होम्योपैथिक इलाज कराते हैं। होम्योपैथिक में क्या होता है, एक मुश्किल इलाज होता है, ये बीमारी को जड़ से निकाल देती है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम उन केसों में लगता है जो केस बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, या जिनके अंदर अज़ा की बनावट के अंदर कुछ चेंजेस आ गई हों, कुछ फ़र्क आ गया हो, वहाँ पे टाइम लगता है, यानी लीवर का साइज़ बढ़ गया, तिली का साइज़ बढ़ गया, या इस तरह से गुर्दों का साइज़ बढ़ गया, या साइज़ कम हो गया, सुकड़ गया, इस तरह से दिमाग के अंदर पानी खुश्क हो गया, या उसके अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर आ गया, या उसके अंदर मतलब कोई क्लाट आ गया, या ब्रेन हेमरेज हो गया, वहाँ पे कुछ टाइम, कुछ वक्त लगता है। क्यों लगता है कि वहाँ पर पैथोलॉजिकली चेंजेस आ जाती हैं, टिश्यूज़ के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ऑर्गन्स के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, इसलिए टाइम लगता है। बीमारी बहुत ज़्यादा गहरी चली जाती है, बाज़ दफ़ा तो बीमारी 3rd और 4th स्टेज में चली जाती है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। जब बीमारी सती होती हैं या मेंटली होती हैं, या सिर्फ रूह की हद तक महदूद होती हैं, या दिमागी हद तक महदूद होती हैं, नफसियाती होती हैं, या जिनके अंदर
अजाम इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई होती, ऑर्गन्स के अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आती, अभी शुरू ही हुआ होता है, वहाँ पे जल्दी क्योर हो जाते हैं, जल्दी केस ठीक हो जाते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरे चले जाते हैं वहाँ टाइम लगता है। तो इसलिए आपको सारी अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि आपकी बात समझ में आ जाए कि कुछ केस लंबे होते हैं, कुछ केस छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो इस चैनल को या इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे और उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।